हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मनोज चैनल के दोस्त और प्यारी दोस्तों। गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, आज मैंने ये साड़ी पहनी है और अभी चेंज करने वाली थी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन सोचा कि चेंज करने से पहले एक वीडियो बना लेती हूँ आपको कि यूट्यूब पर जो न्यू बिगिनर्स है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कैसे कैसे मतलब अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो सर्च करते रहते हैं, बहुत सारी व्यूज़ पर अच्छी व्यूज़ देते हैं, उसे देखने के बावजूद भी वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार इतने सारे मिले से व्यूज है वीडियो पर लेकिन कोई अच्छी जानकारी नहीं मिली। तो आपकी ये परेशानियाँ दूर होने वाली है, क्योंकि वीडियो में आपको पूरे 10 के 10 टिप्स बताने वाली हूँ आपको अपने चैनल पर कैसे ग्रो कर सकते हैं। और 10 के 10 टिप्स ना लिख लीजिए, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए अच्छे तरीके से, शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखिए, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिए। और हाँ, यदि आप हार्ड वर्किंग है और मेहनत करके YouTube पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। यदि आलसी बना है सिर्फ टाइम पास करने के लिए YouTube पर आया तो इस वीडियो को अभी स्किप करके आगे बढ़ जाइए, किसी दूसरे वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। सिर्फ ओनली हार्ड वर्किंग पीपल के लिए, जो अच्छे मेहनत पे विश्वास करते हैं, अपने आप पर विश्वास करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली कोई बताएगा भी नहीं आपको, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कुछ भी किसी से भी कोई प्रमोट भी नहीं कराया, कोई गूगल एडसेंस का भी यूज नहीं किया, और मैंने किस तरह से खुद से ही अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो किया है वही सारी बातें आज इस वीडियो में बताऊंगी। और इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 10 टिप्स कौन से हैं जिन्हें फॉलो करते हुए अपने चैनल पे व्यूज अच्छे ला सकते हैं, वॉच टाइम और सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया यूट्यूब पॉलिसी जो के तहत जो होता है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम है, उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं और अपने चैनल पर अच्छे व्यूज़ कैसे ला सकते हैं, सब्सक्राइबर कैसे ला सकते हैं और मेंटेन कैसे कर सकते हैं व्यूज़ को। और जैसे आप कहते हैं वायरल कैसे करें, तो सबसे पहले तो बात है वायरल को छोड़ दीजिए कि वायरल कैसे करना, ये चीज़ सीखे कि अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, व्यूज़ कैसे है वीडियोज़ पर, सब्सक्राइबर कैसे गेन करने हैं और अपना वॉच टाइम और आपका सब्सक्राइबर क्राइटेरिया आपको कैसे कंप्लीट करना है। यदि आपने ये सीख लिया ना तो वायरल करने की तो चीज़ें छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही वायरल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए और वीडियो को ना एंड तक देखना है, ठीक है। और जितने फालतू फंड के आदमी है ना, अभी के अभी इस वीडियो को छोड़कर निकल लो। और अब जो अच्छे लोग हैं, अच्छे बिगिनर्स हैं, अच्छी तरीके से अपनी मेहनत करके अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी से इस वीडियो को, काफ़ी लेंथी ना हो जाए, मैं आपको 10 के 10 टिप्स बताने वाली हूँ कि कैसे अपने यूट्यूब चैनल को आप ग्रो कर सकते हैं। तो नंबर वन है, अपने वीडियो का टैग, टाइटल और डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरीके से डालिए। कैसे टैग्स ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी मनोज एक वीडियो देखिए, मैंने उसी को फॉलो करती हूँ, पर्सनली बता रही हूँ। कोई प्रमोशन पेड प्रमोशन वाली भी चीज़ है तो ऑलरेडी बनाया यूट्यूबर है, उसका मैं क्या प्रमोशन करूँगी। तो मैं तो पर्सनली उसी को फॉलो करती हूँ और बहुत अच्छी वीडियोज बनाता है, अच्छी चीज़ें बनाता है, जेन्युइन कंटेंट है उसका, सारी चीज़ें कोई फेक नहीं है, लोगों को बहका नहीं रहा है। नंबर दो, टैग टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने डाल दिया। नंबर दो, अपना थंबनेल अच्छा बनाइए। नंबर तीन, अपनी वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड कीजिए, ये नहीं कि एक दिन डाली, एक महीने बाद दूसरी वीडियो डाल रहे, हो सके तो डेली, और यदि हो नहीं सकता तो 3 दिन में एक वीडियो आप डालिए और अच्छा कंटेंट बनाइए। अब कंटेंट कैसे बनाना है, कौन से कैटेगरी का चैनल बनाए, या 3 डेट देखिए आपने, हाँ तो उसमें एक डायलॉग होता है ना, जिस चीज़ में टैलेंट हो उसी के पीछे भागो, बस ये देख लीजिए। आपको सिंगिंग करने, अच्छी सिंगिंग जानते हैं, अच्छी कुकिंग जानते हैं, आपका सिलाई वगैरह का कुछ काम जानते हैं, पेंटिंग डेंटिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, फैशन एंड स्टाइलिंग का, आपका कोई खुद की शॉप है उसका प्रमोशन कर सकते हैं, तो जो भी चीज़ में आपका टैलेंट हो, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, टीचिंग रिलेटेड अपना चैनल बना सकते हो, जो भी चीज़ में आपका टैलेंट है उसी से रिलेटेड अपना चैनल बनाइए। अब मान लीजिए आप बहुत अच्छी कुकिंग जानता है लेकिन चैनल बना लिया डांसिंग का, डांस का आपका ABCD भी नहीं आता, तो फिर आपका चैनल रन नहीं होने वाला ना 1 साल में 10 साल में, ठीक है। तो जिस चीज़ में टैलेंट है उसी से रिलेटेड पे अपना चैनल बनाइए। नंबर 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी, नंबर 5 बताती हूँ कि चीज़ें सीखते रहिए, ठीक है। लर्निंग नेवर एंड्स, सीखना कभी बंद मत कीजिए, सीखना कभी बंद होता भी नहीं है। और एडिटिंग सीखिए, अपना लैपटॉप का आप अपना सॉफ्टवेयर वगैरह, जो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो आप लैपटॉप से अच्छी तरीके से एक अच्छी प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर सकते हैं। और जरा शुरुआत के लिए उन सभी बिगिनर्स को बता दीजिए जिनको प्रोफेशनल नहीं आती, थोड़ी थोड़ी काइन मास्टर और पावर डायरेक्टर दो ऐसे ऐप हैं जिनसे बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से सिंपल से फीचर होते हैं और ईजिली आप सीख जाएंगे 2-4 दिन में, बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी मीडियम टू एवरेज बहुत अच्छी सी वीडियो बना लेंगे। मैं पर्सनली भी काइन मास्टर ही यूज़ करती हूँ अपनी सारी वीडियोस को एडिट करने के लिए। तो आप उन्हें सीख लीजिए अपनी वीडियोस को एडिट करना और उसको अपलोड करना, और ये सारी चीज़ें ना आपको हेल्प करेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी,
तो ये आप सीख लीजिए, एडिटिंग अच्छी लीजिए। तो पांच चीज़ें आपको बता दी। नंबर 6, आप क्रोम ब्राउजर से ही अपनी वीडियो को अपलोड कीजिए, यूट्यूब कैप्शन मत कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे रिलेटेड मैं एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और नंबर 6, अपने पर्सनालिटी पे थोड़ा वर्क कीजिए, थोड़ा बन ठन के मस्त, नो मैटर कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप कहाँ बैठे हैं, खाट पर बैठे, खटोले पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, झुग्गी में, झोपड़ी में, कहाँ पर भी, आपका कंटेंट में दम होना चाहिए और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, सामने वाले को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आप तो समझाना चाहते हैं, ठीक है। अब नंबर 7 कि आई कॉन्टैक्ट। अब आप हेजिटेट हो रहे हैं बोलने में, कैमरा फेयर को आपको दूर करना होगा, कैसे करना होगा, मोबाइल को चला लीजिए, उससे बातें कीजिए, ऐसा लगना चाहिए आप किसी यार दोस्त से बात कर रहे हैं, नॉर्मली बातें कीजिए, कोई स्क्रिप्टेड, मैंने कोई स्क्रिप्टेड वगैरह इसलिए लिख के ऐसे बात नहीं कर, जो मन मैंने बोले जा रही हूँ और जो चीज़ें मुझे नॉलेज है ना उसका अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाना चाह रही हो, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आपको जो मैं बताना चाह रही हूँ, कंसिस्टेंसी हो गई, टैग टाइटल और डिस्क्रिप्शन हो गया, थंबनेल अच्छा बनाना है और आपको अपनी पर्सनालिटी पर भी वर्क करना है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए, क्रोम ब्राउजर से आपको भी अपलोड करनी है। और नेक्स्ट आपको बताती हूँ, शॉर्ट वीडियोस का जो यूट्यूब ने फीचर निकाला, धमाकेदार मस्त फीचर है यार, ऐप इसको फीचर को यूज़ कीजिए अच्छी तरीके से, हैशटैग वगैरह लगा करिए, शॉर्ट्स वगैरह बनाइए अपने चैनल के रिलेटेड और ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्यूज़ आ सकते हैं उससे, क्योंकि यूट्यूब खुद उसे प्रमोट कर रहा है, यूट्यूब दिखाना करके हाँ हम भी बेस्ट है, तो इसलिए वो शॉर्ट्स फीचर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन मिलते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँच पाएगी और आपका चैनल ग्रो होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। तो शॉर्ट फीचर का यूज़ कीजिए गाइस, ठीक है। एडिटिंग वगैरह भी सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में तो आप सीखने वाली, जैसे जैसे करोगे 1 साल 2 साल 3 साल, हो सकता है आप 6 महीने में भी ग्रो कर जाए, 2 महीने में ग्रो कर जाए, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप मैंने आपको बताया, जिस चीज़ में आपका टैलेंट है उसी से रिलेटेड अपना चैनल बनाइए, ठीक है। किसी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि उसके रास्ते में मत फंस जाना कि 2002 सब्सक्राइबर पूरे कर लो, ये वो, इन चीज़ों में मत लगना, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इन चीज़ों कर चुकी हूँ। आप लोग हंसेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भी ये है वो है, लेकिन मैं अपना, मैं नहीं चाहती किसी और दूसरे का टाइम खराब हो, इसलिए मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, इसको जो लिखना है लिख लेना कमेंट सेक्शन में आके। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने कंटेंट पर ध्यान रखना, कंटेंट ज़बरदस्त होना चाहिए, कंटेंट आप चाहे डांसिंग ही क्यों ना करें, उसमें आपकी जो चीज़ें हैं ना, जो आप बताना चाहते हो, जो सामने वाली ऑडियंस देख रही है, उसको मजा आना चाहिए यार, शुरू से लेकर एंड तक मजबूर हो जाए वीडियो देखने के लिए, किसी दूसरे वीडियो पर जाए ना। तो ऐसा चीज़ आप करोगे वो कैसे कर सकते हैं, जब आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, अपनी बातों को अच्छी तरीके से समझा सकते हो सामने वाले को, तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखेगा लास्ट तक, उससे क्या ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, और ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा तो आपका वॉच टाइम ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपका जो आपका वॉच टाइम है और सब्सक्राइबर का अकाउंट है, जो यूट्यूब क्राइटेरिया मांगता है, उसको पूरा करना है, तो उसके लिए यही एक ट्रिक है कि कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छे थंबनेल के साथ, अच्छी डिस्क्रिप्शन टाइटल और टैग डाल करके अपलोड करते जाइए, किसी पे ध्यान नहीं देना कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, आप किसी से कम नहीं हो, इस चीज़ को ना माइंड में बिठा लो, आप किसी से कम नहीं, आप दी बेस्ट कर सकते हो, दी बेस्ट आप वीडियोज बना सकते हो, और शुरुआत कहीं से भी कैसे भी की जा सकती है, ये नहीं है कि जब हमारे पास मोबाइल आएगा, जब ट्राइपॉड आएगा और मोए माइक आएगा तभी मैं विदाउट माइक आपकी वीडियोस बना रही हूँ, तो शुरुआत कीजिए यार, क्यों बैठे हो अभी से, आपसे बात कर रही हूँ, अभी से स्टार्ट कीजिए और बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, लास्ट पॉइंट बताते हैं, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, करते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ, एक नए दिन आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और आप खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर लिखोगे कि दी हाँ आपकी सारी बातें हमने फॉलो करी और हमारा चैनल ग्रो होने लगा, वीडियो पर व्यूज आने लगे और व्यूज मेंटेन हो गए हैं, वो टाइम पूरा हो गया है और ऐसा सिनेबल हो गया, बहुत सारे लॉट ऑफ कमेंट्स आई विल सी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मैं चाहती हूँ कि मेरा कमेंट सेक्शन भरे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स से। तो यार यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो मैं तो नहीं बोलूँगी लाइक करो, आपका मन करे तो लाइक करना और मन करे तो सब्सक्राइब करके आना, क्योंकि मैं तो ब्लॉग डालती हूँ यार, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि यदि एक या दो, चाहे मेरे पास मेरी व्यूज़ ये जो वीडियो है 2 या 5 जितने भी आदमी के पास पहुँचे उनका ना नुकसान ना हो टाइम का, यदि उन्होंने मेरी वीडियो देखे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो। तो आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, आपको ऊपर छोड़ती हूँ, बाय बाय, लव यू ऑल, और मुझे बहुत सारा काम करना है, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मजे करते रहिए ज़िंदगी के यार, उदास नहीं होना है, कोरोना जब जाएगा चला जाएगा, ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।